हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सप्तमी अष्टमी नवमी की प्रसाद, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चना बनाएंगे। तो चना हमने एक कप लिया है, ग्राम से बोलूँ तो 200 ग्राम के करीब होगा चना हमारा। तो इसे रात को ही मैं धुलकर ओवरनाइट के लिए फूलने के लिए पानी में भिंगो के रख दी थी, और अभी सुबह मैं इसे अच्छे से 2-3 बार धुल करके वॉश कर लिया है। तो इसे उबालने के लिए कुकर में डालेंगे। तो यहाँ पर कुकर ले लेंगे। तो चने को उबालने के लिए यहाँ पर कुकर ले रखी हूँ। तो कुकर में चने को डाल देंगे। इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे और एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और एक तेज पत्ते डाल देंगे और इसे मिला देते हैं और इसका ढक्कन लगाएंगे और गैस को ऑन कर देते हैं और हाई फ्लेम पे एक सीटी आने देंगे। चने को हाई फ्लेम पे एक सीटी आने तक पकाएंगे। तो इधर चना हमारा जब तक पक रहा है तब तक हम इधर पूड़ी के लिए आटे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पूड़ी के आटा लगाने के लिए 2 कप गेहूं के आटा ले लिया है। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप गेहूं के आटा ले लिया है। इसमें हम आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, एक छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल की जगह पे आप प्रसाद के लिए पूड़ी बना रहे हैं तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक और ऑयल को। नमक और तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है आटे के साथ। तब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर आटा लगाएंगे। तो आटा हमें तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉफ्ट आटा लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं खूब ज्यादा सख्त भी नहीं है, इतना सख्त है कि हमें पूरी बेलने में आटे की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर पानी देख सकते हैं, 2 कप आटा को लगाने में 200 ग्राम के करीब पानी ले रखी थी। 100 ग्राम से थोड़ा ज्यादा पानी लगा है हमारा और इतना पानी 3 से 4 चम्मच के करीब पानी हमारा बच गया है। तो आटा को हम ढक देते हैं और इसे ढक कर छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। तो आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम चने को देख लेते हैं। तो यहाँ एक सीटी आ गया है, तो गैस को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। तो एक सीटी आने के बाद 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पका लिया है, तो गैस को बंद कर देंगे और कुकर की प्रेशर निकलने की इंतजार करेंगे। तो इसे इधर साइड कर देते हैं, तब तक इधर चने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उधर कुकर की प्रेशर निकल रहा है, तब तक हम इधर चने की मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हो। तो तेल हमारा गरम हो गया है, तो इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, तो 2 मिर्च लंबे साइज में काट लिया है और 2 मिर्च बारीक चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक को लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है, तो ये भी डाल देंगे। तो मिर्च को अदरक को अच्छे से भून लेंगे। तो मिर्च अदरक हमारा भून गया है, अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारा अच्छे से भून गया है, तो चलिए चना को चेक कर लेते हैं। तो कुकर का प्रेशर निकल गया है, तो इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चने हमारा अच्छे से पक चुका है। मैं आपको दबाकर दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं अच्छे से मैश हो रहा है, चना हमारा अच्छे से पक चुका है। इधर मसाला भी हमारा रेडी है, तो चने को इसी में डाल देंगे, पानी के साथ ही हम डालेंगे। तो चने को मसाले में डाल दिया है, तो नमक हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि नमक चने में पहले ही डाल चुके हैं 1 छोटी चम्मच, तो नमक हमारा परफेक्ट होगा। तो नमक हम इसमें नहीं डालेंगे। तो इसमें नमक हमें नहीं डालना है, नमक हम पहले डाल चुके हैं। तब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। तो इन सारे मसालों को मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं चने का पानी हमारा सूख गया है। तो 2 मिनट ही लगे हैं पानी सुखाने में, क्योंकि गैस का फ्लेम हाई था और पानी हम कम ही यूज किए थे, इसीलिए बहुत जल्दी पानी हमारा सूख भी गया। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, कटे हुए हरा धनिया में से डाल देंगे। तो पानी हमारा सूख गया है, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस को बंद कर देंगे और धनिया पत्ते को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं काला चना प्रसाद के लिए हमारा रेडी है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो चलिए अब प्रसाद के लिए हलवा तैयार कर लेते हैं। तभी से एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रसाद वाली काला चना हमारा रेडी है। तो चलिए अब प्रसाद के लिए हलवे तैयार कर लेते हैं। काले चने हमारा तैयार हो गए, तो चलिए अब हलवा बना लेते हैं। तो हलवा बनाने के लिए गैस पर एक पैन रख देंगे, इसमें 3 से 4 बड़ी चम्मच घी डालेंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी और इसे भून लेंगे। तो लगातार चलाते हुए सूजी को भून लेंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं सूजी हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। तब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, काजू डालेंगे, 1 चम्मच बादाम, इसे भी सूजी के साथ में भून लेंगे। इसे ड्राई फ्रूट भी हमारा अच्छे से भून जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट के साथ में 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए भून लिया है। तब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून किशमिश और इसे भी थोड़ा भून लेंगे 1 मिनट के लिए। ये सारे चीजें हमारा अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तब इसमें हम पानी डालेंगे, सूजी ब्राउन दिख रही है, अच्छी से भून गई है। तब इसमें हम डालेंगे पानी 1 कप और 1/2 कप। तो यहाँ हमने टोटल 1.5 कप इसमें पानी डाला है, 1 कप और 1/2 कप, और उसी के साथ डालेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, मैं 1/2 कप चीनी डाली हूँ। अब अच्छे से सारे चीजों को मिक्स करेंगे। तो चीनी डालने के बाद लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इसे पका लेंगे। इससे क्या होगा कि सूजी हमारा अच्छे से फूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हमारा हो गया है, तो अब इसे चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं सूजी हमारा अच्छे से फूल गए हैं, क्योंकि धीमी आंच पे इसे 5 मिनट के लिए पका लिया था। तो आप देख सकते हैं सूजी हमारी कितनी अच्छी फूल गई है, क्योंकि 5 मिनट तक हम इसे बिना छुए धीमी आंच पे पका लिए थे। बहुत अच्छी फूल गई है सूजी हमारी, मोटी हो गई है। तब इसे बीच बीच में चलाते हुए हलवा को कंसिस्टेंसी आने तक इसे पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर और गैस को बंद कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हलवा हमारा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर और कितनी टेस्टी और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। बहुत अच्छी हलवा बनकर तैयार है। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं प्रसाद वाली हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी प्रसाद वाली सूजी की हलवा कैसी बनी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम प्रसाद के लिए पूड़ी बना लेते हैं। तो पूड़ी के लिए आटा देख लेते हैं। इधर आटा हमारा 20 मिनट हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है। तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, हाथ में घी लगा करके आटा को थोड़ा चिकना कर लेंगे। तो आटा को चिकना कर लिया है घी लगाकर।
इधर गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। इधर ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम इधर पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो रहा है तो इधर पूड़ी बना लेते हैं। इसमें से लोई तोड़ लेंगे, एक नींबू के साइज हम लोई बनाएंगे और इसे आटे को साइड करेंगे। यहाँ पे चकला रखेंगे, थोड़ी सी हम तेल या घी लगा लेंगे चकले पे, थोड़ी सी बेलन में लगा लेंगे और लोई को रखेंगे और हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। हमें पूड़ी को बरोबर बेलना है, बीच में मोटा साइड में पतला ऐसे नहीं बेलना है। तो आप देख सकते हैं पूड़ी हमारा बेल गया है, एक प्लेट में रख लेंगे। तो दो चार पूड़ियाँ हम बेल लेते हैं। दो चार बेल करके भी आप तल सकते हैं या एक एक बेल करके भी आप तेल में डालकर तल सकते हैं। तो हम फिर से एक लोई बना लेंगे। आप अपने हिसाब से पूड़ी आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप लोई बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी मोटी है पूड़ी हमारी, नहीं ज्यादा मोटी है नहीं पतली है और बीच में भी पूड़ी हमारी मोटी नहीं है। ऐसी पूड़ी हम सारे पूड़ी बेल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे आटे को लोई बना लिया है, लोई तैयार है हमारा और तीन से चार पूड़ी भी हम बेल लिए हैं। तो चलिए पूड़ी तल लेते हैं। यहाँ तेल को पहले चेक कर लेंगे तेल हमारा गर्म है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं आटे जो है हमारा ऊपर आ गया, तेल हमारा गर्म है। तो पूड़ी के लिए गैस को फ्लेम हाई रखना चाहिए, तो गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और पूड़ी को फ्राई करते हैं। तो एक पूड़ी को डालेंगे। तो आप देख सकते हैं पूड़ी हमारा ऊपर आ गया है, अपने आप फूल गया है। तो इसे थोड़ा सा दबा देंगे और इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से ब्राउन सेक लेंगे। आप चाहे तो एक साथ दो पूड़ी भी डाल सकते हैं। मेरी कढ़ाई छोटी सी है इसीलिए मैं एक एक पूड़ी आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्राउन हो गई है दोनों तरफ से पूड़ी हमारी। तब इसे निकाल लेंगे, इसे साइड करके हम तेल निकाल लेंगे, फिर पूड़ी को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पूड़ी बनी है, फूली फूली हमारी, गुब्बारे जैसे फूली है हमारी पूड़ी। तो ऐसे दूसरी पूड़ी हम डालेंगे, दूसरी पूड़ी भी बहुत अच्छी से फूल गई है। तो आप देख सकते हैं सारे पूड़िया हमारी कितनी अच्छी फूल रही है। सारे के सारे पूड़ी हमारी गुब्बारे जैसे फूल रही है। प्रसाद की पूड़ी भी हमारा रेडी है, तो चलिए अभी इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए रेडी है हमारा गर्मा गर्म चना हलवा पूरी, पूरे प्रसाद बनकर तैयार है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, ये प्रसाद बहुत ही आसानी से बनने वाला है। तो आप चाहे तो इसे सप्तमी अष्टमी नवमी कभी भी बना सकते हैं। तो आप जरूर बनाएं और ट्राई करें। और आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी प्रसाद कैसी बनी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।